कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे मसालों के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धनिया, मिर्ची, हल्दी कुछ मसाले तो हैं जो हमेशा ही सब्जियों में खपत में इस्तेमाल में आते रहते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी रहते हैं जो जड़ी बूटियों का काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लौंग, इलायची, तेज पत्ता। ऐसे में इन मसालों का, जैसे अब विंटर सीजन भी आ गया है तो लोग काढ़ा बनाकर भी पीते हैं, जिससे सर्दी खांसी जुकाम इनसे बचा जा सके, तो ऐसे में आगे अब मसालों में क्या रुझान रहेगा? अखिलेश जी, आपने बहुत सही और उचित सवाल पूछा है। आज मैं सबसे पहले तो आपको जो लौंग के बारे में बताना चाहूंगा कि गरम मसाले के अंदर काफी ये इस्तेमाल होने वाली है और ये लगभग 750 रुपए तक की तेजी इसमें देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी भी लौंग में बन रही है। इस बार लौंग में मजबूती के आसार बहुत तेजी से बन सकते हैं। कोरोना के चलते हुए भी लौंग में उपभोक्ता की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और लौंग की नई फसल आने में भी अभी 2 से 3 महीने का समय बाकी है। इस बीच मिडास्कर की लौंग में आयातक से बात करने पे यह भी पता लग रहा है कि वहां भी तेजी बन रही है। अभी हम मंडियों के भाव देखें तो जयपुर के मंडी के भाव देखें तो ये 750 रुपए प्रति किलो वहां पे बताए जा रहे हैं। उधर मिडास्कर, इंडोनेशिया एवं जंजीबार में लौंग का स्टॉक भी कम बताया जा रहा है। इसी प्रकार श्रीलंका की लौंग में भी काफी बिकवा, वहां पे जो श्रीलंका की लौंग है उसमें भी काफी मात्रा बिक चुकी है और वहां पर भी मौसम प्रतिकूल होने पर वहां भी लौंग की फसलों के की सूचना मिल रही है। तो कुल मिला के लौंग इसमें कमजोरी दिखा सकता है, लौंग बाजारों में लगातार तेजी दर्ज हो सकती है, तो खासकर मसालों के जो कारोबारी हैं उस पर विशेष रखें ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च और काली मिर्च, आपको याद होगा लगातार हम लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर तेजी की बात बता रहे हैं और काली मिर्च की के ऊपर भी हमने चर्चा करते हुए कहा था कि भारत के अंदर जो तीनों राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, वहां पे भी बेमौसम के तेज चक्रवात और बरसात की वजह से और तूफान की वजह से वहां भी काली मिर्च की फसलों को नुकसान की सूचनाएं हैं, जिसका असर काली मिर्च के अंदर लगातार तेजी पर पड़ रहा है। लाल मिर्च के ऊपर भी आज मुझे कमजोरी की संभावनाएं मजबूती की संभावनाएं नजर आती हैं। लाल मिर्च के अंदर भी तेजी का रुख रह सकता है। अखिलेश जी, एक और मैं कमोडिटीज पे चर्चा करना चाहूंगा, वो है कॉफी। कॉफी के जो दाम इस साल 10 सालों में सबसे महंगे दर्ज हो चुके हैं। काफी यानी कॉफी की कीमतें में आसमान छू रही हैं। कॉफी के भाव पिछले 1 साल से लगातार तेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये 10 साल के उच्चतम भावों तक पहुंच चुके हैं। और ये भी विशेष ख्याल रखने वाली बात है कि इस साल ब्राजील सहित अन्य देशों में खराब मौसम के कारण कॉफी के उत्पादन के ऊपर भी काफी असर पड़ने की सूचना मिल रही है और बीते हुए 1 साल में मांग में भी भारी बढ़ोतरी यानी तेजी दर्ज हुई है। इसके अलावा पोर्ट पर लंबी कतार से आयात रुका हुआ है, वहीं पर किराए के अंदर भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। ट्रांसपोर्ट के में भी परेशानी का कारण भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कॉमर्शियल कॉफी की कीमतों के अंदर लगभग 100% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है और इसमें और भी अधिक तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पर स्पेशलिटी कॉफी की कीमतों में भी 20 से 30% का इजाफा यानी मजबूती दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी आगे तेजी रहने की संभावना है। इसका असर आदि आप शेयर बाजार पे भी देखें तो टाटा कॉफी के दाम जो स्टॉक है उसके अंदर भी तेजी दर्ज हो रही है और आज टी और कॉफी स्टॉक्स के अंदर भी यानी शेयर्स में भी उसके अंदर भी तेजी बने रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि काली मिर्च, लाल मिर्च और कॉफी और लौंग, इन चारों में आज तेजी की संभावना बनती नजर आ सकती है एग्रो के अंदर।